आज मुझे आपसे कुछ थोड़ी अलग बात करनी थी, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में आपका इंट्रोडक्शन छोटा सा दिया जी, उसमें मैंने कहा रेकी, पर मैंने ये भी कहा था कि आप और भी चीजें करते हैं। तो हम उस पे आते हैं अभी, क्योंकि आपने बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी बातें कही है, पर आज मुझे थोड़ा सा मैंने प्रयास रखा है कि अलग कुछ करे। ठीक है सर। आप टैरो रीडिंग भी करते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग? जी जी बिल्कुल। तो पहली बात, मेरी भी फैमिली में कोई टैरो कार्ड रीडिंग करता था जी, ऑल्दो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, तो मेरा इस पे भरोसा कभी इतना बना नहीं। पर मैंने देखा था कि वो दो टाइप की रीडिंग करते थे, दो टाइप के कार्ड होते थे, एक ओशो था और एक दूसरे का आपने शायद राइडर वेट कहते हैं जी। क्या ये दो टाइप के होते हैं, और पहली बार टैरो कार्ड होता क्या है? ओके, मैं आपके पहले क्वेश्चन को थोड़ी देर में आंसर करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन बहुत ब्यूटीफुल है कि टैरो होता क्या है, का काम करता भी है ये? आपके पास ये पल चल रहा है, ये टाइम चल रहा है, बाहर से पेड़ के पत्ते भी ले आओगे ना आप उसपे, और इस पे कोई पैटर्न बनाकर आप कहीं इस पल को रीड करने का प्रयास करोगे तो भी आप कर सकते हो। जितने लोग हमें सुन रहे हैं, आपके व्यूअर्स सुन रहे हैं, प्रेडिक्शन किसी भी तरीके से हो सकती है। ओके, आप जब अपने सम अवस्था में बैठते हो, आप अपनी न्यूट्रल स्टेट में बैठते हो और इस मोमेंट के अंदर होते हो, तो यूनिवर्स आपको गाइडेंस देनी शुरू कर देता है हर माध्यम से। टैरो क्या था? एक रिप्रेजेंटेशन था जो किसी ने इंट्यूटिवली डिजाइन करा अपने ध्यान में जाकर। जब ओशो के डिसाइपल ने उसे डिजाइन करा, ओशो की गाइडेंस के अनुसार और जेन के अनुसार, ओशो ने जो जेन के बारे में बोला है और जेन की जो फिलॉसफी है, तो नाम पड़ा ओशो जेन कार्ड। हाँ, राइडर वेट कार्ड भी किसी ने डिजाइन करा एक राजा रानी का फ्रेम लेके। ओके, तो वहां किंग कार्ड, क्वीन कार्ड, नाइट कार्ड, पेज कार्ड, ऐसी कहानियां जा रही है, क्योंकि वो कॉलोनाइज का टाइम पीरियड था, कॉलोनाइजेशन का टाइम पीरियड था। राइट, जो ओरिजिनल टैरो आते थे वो आते थे आपके पास में विच क्राफ्ट के अंदर। ओके, जो विचेस के पास में थे। अब राजा रानी को ये समस्या होती थी कि विच इतनी पावरफुल नहीं होनी चाहिए, राजा से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, तो विचेस को बर्न किया गया था इंग्लैंड के अंदर, आयरलैंड के अंदर। उस एरा में हमारे पास टैरो का इन्वेंशन होना शुरू हुआ था, और उन कार्ड्स को विच का नाम हटाकर राजा रानी का नाम लगा दिया गया था। ओके, यहां से आया था राइडर वेट कार्ड। ये कई सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा, कबालिक सीक्वेंसिंग भी है कि कबाला से आया था, ईरान और आपके इराक के पास में, इसके एरिया के पास में एक जगह पाई जाती है, वहां से हमारा कबालिक सिस्टम आया था। टैरो वहां से भी कहते हैं, वहां से ज्ञान लेके आए थे। हर सभ्यता में टैरो रहे हैं। टैरो का मतलब बेसिकली होता है, अगर आप कोई एस्ट्रोलॉजी समझता हो तो प्रश्न कुंडली। हाँ, कि एक होती है हमारी जन्म कुंडली, कि जब हम पैदा हुए तो टाइम ऑफ बर्थ हमारा, प्लेस ऑफ बर्थ हमारा, और हमने उसके हिसाब से डिजाइनिंग कर ली। बट जब आपके पास में अपनी डिटेलिंग नहीं है तो आप कैसे लगा सकते हैं कुंडली? हाँ जी। तो कुंडली बनाने का होता है कि आपके प्रश्न का जन्म का समय, प्रश्न तो अभी पूछ रहे हैं ना, तो जन्म का समय अभी का होगा। ओके, प्लेस ऑफ बर्थ मेरा होगा, इसलिए वो कार्ड इमीडिएटली चूज करते हैं। तो प्रश्न कुंडली ही होती है टैरो। जितनी भी साइंसेस में हम अभी आंसर देते हैं, वहां प्रश्न कुंडली ही बनती है। ओके, तो टैरो एक तरह से प्रश्न कुंडली ही है। इसकी कंसेप्ट हमारे जो आप एस्ट्रोलॉजी का सिस्टम है उससे काफी रिजेंबल करती है। ओके, इवन न्यूमरोलॉजी में एक टॉपिक एड्रेस कर दूंगा मैं यहां पर। कई लोग कहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ वो होनी चाहिए जो डॉक्यूमेंट में लिखी है, नेम ऑफ बर्थ वो होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स में लिखा है। ओके, पर ये कंसेप्ट अब ऑब्सोलीट होती जा रही है, क्योंकि आपका नेम और डेट वो रेलिवेंट है जो आप अब हो। मेरे सामने जो व्यक्ति बैठा है ये इंपॉर्टेंट है, जो कागजों में बंद है वो इंपॉर्टेंट है। पर एस्ट्रोलॉजी तो वैसा है नहीं। प्रश्न कुंडली में हमारे पास एस्ट्रोलॉजी में यही करते हैं। अच्छा, कि दो विचारधारा मिलाते हैं, एक वो कुंडली जब आप पैदा हुए, एक वो कुंडली जो अब है, दोनों की रेलेवेंस चेक होती है। तो हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं हर क्लाइंट के लिए, और एक लग्न कुंडली भी बनाते हैं। लग्न कुंडली हमें वो दिखाती है जो पहले हो चुका है। हाँ, प्रश्न हमें वही बताता है इस मोमेंट का। क्योंकि आपने जो बात कही ओशो वाली, तो मुझे दो कार्ड बहुत हमेशा याद रहते थे, एक था हर्मिट कार्ड। ओके, और एक ऐसा कार्ड था जिसके अंदर देयर वर लॉट ऑफ शीप्स, बट उसमें एक लायन था, एंड वो कंफ्यूज था कि कंडीशनिंग कार्ड कहते हैं। हाँ, उसका नाम है कंडीशनिंग। मेरे को ये दो कार्ड याद थे क्योंकि वो दोनों के जब वो सीख रहे थे तो मेरे बाजू में थे, तो उसकी एक्सप्लेनेशन चालू थी। मुझे कार्ड का नाम आपने अभी बताया, बट वो ऐसा कुछ कार्ड था कि अब वो भूल चुका है कि वो तो पला बड़ा शीप में, पर वो भूल गए कि वो शेर है। तो नाउ इट्स टाइम टू मूव आउट एंड एम्ब्रेस योरसेल्फ। ऐसा हमें ना वास्तविकता भूलने की आदत होती है। हाँ,
और वास्तविकता देखने के लिए उस शेर को क्या करना है, बस पानी के पास तक जाना है। जब पानी में जाएगा ना, अपना रिफ्लेक्शन देख ले बस, हमें आईना ही देखना भूल गया है। हम सभी के साथ ही कंडीशनिंग होती है कि हम आईना देखना भूल जाते हैं। ओशो की जो टीचिंग्स हैं वो बहुत गहरी हैं। ओके। और वो हमेशा ना अपने अवेकनिंग के बारे में बात करके गए। मैं हालांकि कई बार कई चीजों से एग्री नहीं करता, बट उनकी कुछ फिलॉसफी ऐसी है मैं बहुत पसंद करता हूँ। और इन कार्ड्स में उनकी फिलॉसफी का ना क्वेश्चन समझ में आता है। कंडीशनिंग कार्ड जैसे आपने रेफर करा और सभी व्यूअर्स के लिए है कि आप अगर उस कार्ड को लेकर थोड़ा ध्यान करोगे ना, तो थोड़े दिन में आपकी कंडीशनिंग टूटनी शुरू हो जाएगी। कार्ड्स के साथ, टैरो कार्ड के साथ आप मेडिटेशन भी कर सकते हो। ओके। हाँ। आप टैरो कार्ड निकाल कर, जैसे ओशोजन कार्ड है, वो तो बहुत प्यारे मेडिटेटिंग कार्ड है, इवन हीलिंग कार्ड है। अच्छा। अगर हम कार्ड खोलते हैं तो हमारी हीलिंग होनी शुरू होती है। जिस व्यक्ति के लिए कार्ड खोलते हैं उसकी हीलिंग होनी शुरू होती है। 5 कार्ड खोलने के बाद में नींद आनी शुरू होती है, ऐसा लगता है अब सोने वाले हैं, क्योंकि माइंड रिलैक्स हो चुका है, बॉडी रिलैक्स हो चुकी है। एग्जैक्टली। Wow. और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं एक कार्ड पढ़ाता हूँ, कहते हैं सर बहुत तेज नींद आ रही है, बोरियत की तरह नहीं, थेरेपी की तरह से। फिर धीरे धीरे 2 कार्ड खोलने शुरू करे, 3 कार्ड खोलने शुरू करे। मैंने कहा इस कार्ड को अपने सामने रखो और देखो इसे घूर के। इंसोम्निया जैसा था, मैंने कुछ कार्ड दिए उसे कि रात को सोने से पहले इस कार्ड को देखो, गहरी नींद में उतर गए। वाह। तो ओशो कार्ड के अंदर, तो जैसे आप टैरो की बात कर रहे हैं, तो वहां तो मिरेकल मैंने बहुत देखे। इवन राइडर वेट कार्ड में भी मिरेकल है। पर राइडर वेट कार्ड में क्या होता है, ये सबको एड्रेस कर देते हैं इस बात को, कि कई बार अगर आप अट्यूनमेंट लिए बगैर, एक चीज होती है अट्यूनमेंट, कि किसी भी साइंस में, हीलिंग साइंस के अंदर, एक बार कुंडली के अंदर एनर्जी कोई एंटर कर दे गुरु, तो उसे अट्यूनमेंट कहते हैं। Okay. कि आपकी फ्रीक्वेंसी और यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी को सिमिलर कर दिया। Hmm. तो अगर आप अट्यूनमेंट करे बगैर आप कोई भी टैरो खोलते हो, तो एनर्जी के हैवी थ्रस्ट को फेस करना पड़ता है। Okay. आप पहली बार बिना विद्या सीखे, बिना कोई एनर्जी विद्या सीखे, आप एनर्जी से जो इंटरेक्शन करते हो, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो अच्छा रहता है कि आप सब जब इस वीडियो को सुनो, तो पहले अट्यूनमेंट लीजिए, लेवल 1 का एटलीस्ट, या अपने गुरु को बोल दीजिए कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सिलेबस वो आपको लगातार एनर्जी बैलेंसिंग सिखाता रहे।